हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द सैम्स किचन में। आज हम जिस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी बेसिकली एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन कह सकते हैं या फिर एक इवनिंग स्नैक्स ऑप्शन कह सकते हैं। ये रेसिपी का नाम है दही के शोले, या आप इसे कह सकते हैं दही के कबाब भी। दही के शोले बनाने में जो जो इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और ये कैसे बनता है, चलिए आइए देख। दही के शोलों में सबसे बेसिक इन्ग्रीडियंट जो लगेगा वो है ब्रेड। हमने यहाँ पे ब्रेड लिए, आटा ब्रेड लिए, आप चाहे तो मैदा ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लगेगा हंग कर्ड या चक्का कह सकते हैं। अगर आपके पास चक्का नहीं मिल रहा है तो आप दही लीजिए, दही को 2 से 4 घंटे के लिए आप हंग कर दीजिए, लटका दीजिए। वो जब सारा पानी निकल जाए उसका, उसके बाद में जो बचा रहेगा वो आपका चक्का रहेगा। उसके अलावा हमें लगेंगे, हमने यहाँ लिया है गाजर, हमने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अलावा हमें जो लगेगा वो हमने लिया है अनार के दाने। अब हमारे मसालों में हमको जो लगेगा वो लगेगा गरम मसाला, वाइट पेपर, नमक, काली मिर्च और साथ में हमने थोड़ा अदरक भी लिया है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है ये छोले बनाने के लिए। अब मैं यह हंग कर्ड के अंदर थोड़ा सा अनार के दाने डालूंगा। आपके पास अगर नहीं है तो इसको ऑप्शनल ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं लूंगा थोड़ा सा प्याज, कैप्सिकम, देख रहे कितना कलरफुल होते जा रहे हैं, कैरेट, धनिया, हरी मिर्च और आखिरी में जाएगा अदरक। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। एक बार ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब आएगा हमारे काली मिर्च, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर आप कह लीजिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम पूरा मिक्स कर लेंगे। इसके मिक्स होते के साथ हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। अभी हमारी स्टफिंग लगभग रेडी हो चुकी है, अब हम इसको फ्रिज में सेटल होने के लिए आधा घंटा लगभग छोड़ देंगे। दही के शोले के लिए हमने जो ब्रेड ली थी, ब्रेड के हमने साइड्स कट कर दिए और इसके बाद हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रेड की पॉलीथीन रहती है ना, हमने उस पॉलीथीन को इसमें खोल दिया है। उसका क्या यूज़ रहेगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अब जैसे ये हमने इसको साइड से रोल कर दिया और हम इसको बेल लेंगे थोड़ा पतला। ये हो गया है। अब जो हमने अपना स्टफ बनाया था उस स्टफ को हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसको रोल कर देंगे। और रोल करने के वक्त हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमने यहाँ पे पानी से थोड़ा सा गीला हाथ लगाया है सो दैट ब्रेड साइड की नरम हो जाए और इसको बाइंड करने में हेल्प कर दे। ये हमने बाइंड कर दिया है। अब इसको आज जो हमने ये जो पॉलिथीन लिया है इसका अब रोल आएगा। कैसे आएगा, ये हमने पॉलिथीन को बाइंड किया, इसको इसके अंदर लपेट लिया है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्रोसेस आप कर लिए तो दही के शोले आपके पूरे प्रॉपरली बन जाएंगे। इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे अपोजिट साइड में और ये आपका बनके रेडी, ये बनके आपका रेडी हो गया। ऐसे ही हम बाकियों के भी कर लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं तलने की प्रोसेस। अब हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। हम इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल कर देंगे और उसके बाद इसको हम तेल के अंदर छोड़ देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड तो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्चापन लगेगा। तो गोल्डन होने तक इसको तलना है। एक बार ये गोल्डन हो गया
हमारा काम खत्म। हमने यह आटा ब्रेड लिया है, आप मैदा ब्रेड से करेंगे तो और अच्छा गोल्डन कलर में और मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा लगभग बनके तैयार हो गया है, ऐसा हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब बाकी को भी हम ऐसे ही करते जाएंगे। उसके बाद में हम इसकी प्लेटिंग के साथ आपको बताएंगे कि कैसा दिखेगा और कैसा बनेगा। चलिए हम बाकी को भी अभी ऐसा कर लेते हैं, कल के रेडी कर लेते हैं। दही के शोले की कटिंग सेरेमनी, ये हमने बाहर निकालने के बाद ये देखिए क्रिस्प आवाज़, ये हो गई है कटिंग सेरेमनी। फाइनली इट लुक्स लाइक दिस। अब मैं आपको इसकी फाइनल प्लेटिंग बता रहा हूँ। फाइनली बनकर तैयार हो गई है दही के शोले, ये फाइनल प्लेटिंग मैंने आपके लिए बना के दिखाई। फाइनली बनकर तैयार हो गई है दही के शोले, ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही सिंपल है, आधे घंटे के अंदर बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही लजीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।